से घर की लड़कियां पुलिस स्टेशन नहीं आती हैं। क्यों? एक सेकंड, क्यों सर? अच्छी घर की लड़कियां पुलिस स्टेशन में क्यों नहीं आती हैं? मैं भी अच्छे घर से हूँ, मैं भी आई हूँ पुलिस स्टेशन। और मेरे घर पे तो यही संस्कार देते हैं कि पुलिस स्टेशन आने से आपको डरना नहीं चाहिए, पुलिस आपकी रक्षा के लिए होती है। जबकि दिन हो रात हो, किसी भी लड़की को कोई झिझक कोई डर नहीं होना चाहिए, क्योंकि पुलिस हमारी रक्षा के लिए है। और आप तो नेताजी हैं, आप ये सोच लेकर जाएंगे जनता के पास कि आप पुलिस से डरे? तमीज से बात कर लड़की। आप भी तमीज से बात कीजिए सर। सर आपके जो पोजीशन है, जो ओहदा है, ये हम सबकी वजह से ही है, हम सबके वोट्स की वजह से है। आप नेता है ना, और हम पब्लिक, और आप पब्लिक सर्वेंट है, तो आप जाइए। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई पापा से ऐसा बात करने की? आपसे बात कर रही हूँ मैं। सॉरी सर, मैं सिर्फ आपकी उम्र का लिहाज करते हुए, वरना आपकी सोच तो चलो बहुत हो गया। गणपति बाप्पा मोरिया। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। आज मैं बात करने वाली हूँ सुमन इंदौरी सीरियल की। तो दोस्तों आने वाले एपिसोड में हमें हाई वोल्टेज ड्रामा देखने को मिलने वाला है, जहाँ पर हम देखेंगे कि इस बार हमारी सुमन अपनी जिंदगी में एक नई शुरुआत करने वाली है। जी हाँ, कहानी में हमें देखने को मिलने वाला है कि सुमन अपना केटरिंग का एक नई बिजनेस शुरू करने वाली है, और इस बिजनेस के जरिए वो अपने परिवार वालों को संभालेगी, अपने सारे लोन को खत्म करेगी, अपने भाई बहन को पढ़ाएगी, आगे बढ़ाएगी। लेकिन भाई हमारी सुमन का रास्ता इतना आसान नहीं होगा। और आपको बता दूं कि हमारी सुमन मैडम के रास्ते में जो तीन रुकावटें हैं, वो कोई और नहीं बल्कि पूर्णा बुआ, देविका और गुलशन होने वाले हैं। जी हाँ, सबसे एक्साइटिंग बात आपको बता दूं कि इस बार देविका के साथ गुलशन और पूर्णा बुआ ने हाथ मिला लिया है, क्योंकि भाई इन दोनों का ही टारगेट एक है। इन तीनों का जो टारगेट है वो एक ही है, और वो टारगेट कोई और नहीं बल्कि सुमन है। और इन तीनों का मेन एम यही है कि वो सुमन की जिंदगी को पूरी तरीके से बर्बाद कर दे, क्योंकि अब सुमन ने ऑलरेडी गुलशन की इज्जत का फालूदा बना ही दिया था सबके सामने। पूर्णा बुआ ने उसको धमकी भी दी थी कि इस चीज का बदला तो मैं लेकर रहूंगी। और हमारी सुमन मैडम ने कृतिका को भी जेल भेज दिया था, जिसका खुन्नस जो है वो देविका के अंदर भरा हुआ है। और उसने तो ठान लिया है कि भाई अब तो कुछ भी हो जाए, लेकिन सुमन की जिंदगी में वो बिल्कुल भी कुछ अच्छा नहीं होने देगी। और इसी के साथ आने वाले एपिसोड में हमें देखने को मिलेगा कि भाई किस तरीके से इस बार ये तीनों मिलकर हमारी सुमन के खिलाफ बेहद बड़ी साजिश रचते हुए आएंगे। लेकिन वो साजिश क्या होगी, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। फिलहाल आपको बता दूं कि एपिसोड में हमें देखने को मिल रहा है कि भाई हमारी सुमन के ऊपर खून सवार है, और वो अपनी माँ को जस्टिस दिलवाकर ही रहेगी। और कहानी में हम देख सकते हैं कि किस तरीके से इस बार हमारी सुमन ने ठान लिया है कि वो कृतिका को जेल भेज कर रहेगी। और यहाँ पर सुमन के पास, सुमन की मोहल्ले वालों के पास अचानक से कृतिका आती है, और मोहल्ले वाले यहाँ पर इतने ज्यादा गुस्से में आ गए कि उन्होंने ठान लिया है कि अब जस्टिस तो सबके सामने ही हो जाएगा। और सब लोग यहाँ पर प्लान करते हैं कि वो कृतिका को यहीं पर मारेंगे, और सारी सच्चाई जो है सबके सामने भी आ जाएगी, और उसकी माँ को जस्टिस भी मिल जाएगी। लेकिन भाई सुमन इस चीज को रोक लेती है, उसे बिल्कुल भी ये चीज रास नहीं आती कि वो अपने हाथों में कानून ले। और वो सभी मोहल्ले वालों को रोकती है, अपने घर परिवार वालों को रोक लेती है, क्योंकि सुमन हमेशा सही चीजों का ही साथ देती है, गलत चीजें वो कभी करती ही नहीं। इस वजह से इस बार सुमन ने सबको रोक लिया। और आने वाले एपिसोड में हमें देखने को मिलता है कि भाई यहाँ पर पुलिस आ गई है, और इस बार पुलिस बहुत जल्द कृतिका को अरेस्ट करने वाली है। तो आने वाले एपिसोड में ये देखना इंटरेस्टिंग होगा कि देविका अब कौन सी नई चाल चलेगी अपनी बहन कृतिका को बचाने के लिए और सुमन को मजा चखाने के लिए।